हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैं 1 to 9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। इन फिगर 13.36, ये है आपकी फिगर नंबर 13.36। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी इफ डी ई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ। प्रूव दैट ए एफ इज इक्वल टू 2 into AB। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ओके। इसके बाद ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। अब यहां पर देखिए, ई आपका मिड पॉइंट है बीसी साइड का, यानी कि इस लाइन को ये 2 equal parts में डिवाइड करता है, ओके। इफ डी ई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ, यानी कि ये जो लाइन है डी ई एंड ए बी, जब इनको आगे एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो ये एफ पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। इसके बाद आपको प्रूव करना है ए एफ इज इक्वल टू 2 AB। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, और वो ट्रायंगल्स कौन से होंगे, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ई एफ एंड ट्रायंगल सी ई डी, ओके। ये देखिए, दो ट्रायंगल आपके ये हो गए, बी ई एफ एंड सी ई डी। तो बच्चों, समझने वाली बात यह है कि हमने इन दो ट्रायंगल्स को ही क्यों लिया है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन बात है कि यहां पर इन दो ट्रायंगल्स के अलावा कोई और दो ऐसे ट्रायंगल है भी नहीं जिनमें आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर हम कोई बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, लेट से ए एफ डी, तो इसके जैसा दूसरा जो ट्रायंगल है वो यहां पर नहीं है, ठीक है, तो आप नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, आपको क्वेश्चन में यहां पर गिवन है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, यानी कि इस हिंट को आपको उन दो ट्रायंगल्स में यूज करना है, दैट मींस वो कॉमन होना चाहिए। देखिए, यहां पर ई है और यहां पर भी ई है, तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। दैट मींस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ओके। आप यहां पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। इसके बाद आप लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू सी ई, ओके। देखिए, ई आपका मिड पॉइंट है, तो आप लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओके। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं कहूं कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, कैसे, क्योंकि जो डीसी लाइन है आपकी, ओके, और जो आपका एएफ लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल है, ओके। या बोल सकते हैं ये बनते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। जो सीबी लाइन है वो आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो आप लिखोगे एंगल ई बी एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, है ना। और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों, यहां फिगर में देखें, ये है आपका एंगल और ये है आपकी साइड और ये है आपका एंगल, तो ये बनता है ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल। तो सिंपली आप यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई डी, है ना, और आप यहां पर लिख देंगे ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। तो बच्चों, फाइनली हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब देखिए, इससे होगा क्या,
अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि इस साइड को इस साइड के बराबर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी. ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर यू कैन राइट बी एफ इज इक्वल टू सी डी. ओके, आप यहां पर लिखेंगे सीपीसीटी. और बच्चों जैसे ही आपने इन दोनों लाइंस को इक्वल दिखा दिया तो उसके बाद आप यहां पर देखिए जो ए एफ लाइन है उसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एफ. ओके, आप ए एफ लाइन को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एफ. ओके, अब देखिए यहां से आपको थोड़ा समझना है कि हमको क्या ऐसा चेंज करना है कि ये बराबर में आ जाए टू ए बी के. ओके, यानी कि एक ए बी ऑलरेडी आपके पास है, दूसरा ए बी आपको चाहिए. अब बच्चों आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो आपका बी एफ है ओके वो सी डी के बराबर है और सी डी जो है वो आपका ए बी के बराबर है क्योंकि ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है ना. मेरी बात आई समझ में आपको? मैं कह रहा हूं कि जो आपकी सी डी है ओके वो आपकी ए बी के बराबर है ऑलरेडी. ठीक है, और यहां पर आप प्रूव कर चुके हैं कि जो बी एफ है वो सी डी के बराबर है. ओके, तो सिंपली आप बी एफ की जगह आप ए बी लिख सकते हैं. तो आप यहां पर लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी. ओके, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर लिखा कि बी एफ इज इक्वल टू सी डी ओके और सी डी के बराबर है ए बी. ओके, तो बी एफ और ए बी आपकी बराबर हो चुकी हैं. तो आपने बी एफ को ए बी के बराबर लिख दिया. ओके, अब यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं 2AB और यही आपको प्रूव करना था. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम.